शॉपिंग करने के लिए आए थे एंड हम लोग हम बताते हैं आज का हम लोग का प्लान था खाना डिस्ट्रीब्यूट करना था फिर प्रिया के साथ शॉपिंग करना लेकिन अब हम लोग के पास टाइम बच रहा है तो अब हम लोग वो मंदिर जा रहे हैं वो मंदिर बहुत 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 सुंदर है नाम नहीं पता है चिरौली में है अब बोल बोल अपर बाजार से देखते हैं कितना टाइम लगता है ना प्रिया तो बोली 10 मिनट लेकिन हमको नहीं लगता आई गेस 15 मिनट मैक्स टू मैक्स क्योंकि हम गए हैं वहाँ पे तो और रास्ता खाली आज संडे ना तो पूरा खाली मिल रहा है चलो रास्ते में दिखाई 20 मिनट चाय पीने के लिए बहुत एक्साइटेड है यार वो मंदिर बहुत ज्यादा पसंद है और एक अंकल भी मिलने जा रहे हैं जो मतलब हम लोग जब 12th में थे ना तो वहाँ पे चाय पीने जाते थे हम नहीं वैशाली आपको क्या लगता है कि हमारे रांची में सरोजनी मार्केट नहीं है अभी हम आप लोग को दिखाते हैं चलो दोस्त थोड़ा जल्दी चलो ये है हमारा वेंडर मार्केट स्मृति वेंडर मार्केट भाई ये सरोजनी से कम नहीं है यहाँ पुराने कपड़े नहीं मिलते हैं यहाँ नए कपड़े मिलते हैं प्राइसेस बहुत कम यहाँ साड़ी वगैरह साड़ी नहीं मिलता सूट स्लीपर्स मतलब ये है प्रगति सदन उम्मीद करते हैं आप लोगों को हम लोग का ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा ये अब क्या चेहरी जा रहे हैं हम लोग क्या चेहरी यहाँ पे एफिडेविट बनता है 100-100 रुपए में 100-100 रुपए में नोट बदली होता है आगे आप लोग बदल ले आलू ले लो कांदे ले लो आलू ले लो मेरे चाय अंकल लगता नहीं लगा है सब बंद है लगता अंकल नहीं लगा है वो अंकल वैसे हमको कॉल करके बुलाए थे पता है आपको पता है नहीं लगा है नहीं लगा है ये टैगोर हिल वाले रास्ते में पहुंच गए हैं यहाँ से पता नहीं कितना पूरा याद नहीं है हम इस रास्ते में ना पहले डांस हम लोग जिस मंदिर का बात कर रहे थे वो मंदिर हम लोग पहुँचने वाले हैं कैमरा गंदा पहले साफ कर लेते हैं तो ये है हम लोग का कैमरा साफ करने के बाद कब अच्छे लग रहे थे अभी हम लोग साइंस सिटी क्रॉस किया है यस यहाँ से 500 to 600 meters ही है ना हाँ आपको कुछ नहीं पता मतलब टर्निंग यहाँ से 500 to 600 meters है अंदर जाकर निकलेंगे पूरा तो 1 मिनट पड़ जाएगा चुनौती पहाड़ लोग वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए भी जाते हैं जिम वगैरह से लोग मैट ले करके जाते हैं मैराथन भी होता है वहाँ पे एक्सरसाइज भी होता है वहाँ पे हमारा वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस पेड़ को याद रखिएगा थोड़ा सा आगे जा करके ठंडी ठंडी हवाएं हाँ प्रहलाद इनक्लेव के जस्ट बाद ये पेड़ आएगा जिससे हम लोग बचपन में वो मुर्गा लड़ाते थे मुर्गा हम लोग वही बोलते थे सोचने में क्या सोच लेते थे बारबी डेंटल क्लिनिक भी आएगा ऐसे लोग आपको बाइक और स्कूटी से चलते हुए दिखेंगे टुक टुक पे दिखेगा आदमी वृंदावन कॉलोनी हाँ उससे पहले ब्रेकर भी है ये वृंदावन कॉलोनी के अंदर रहा फोकस 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 वृंदावन कॉलोनी शिव शक्ति धाम बस यहाँ से आपको राइट ले लेना है बस ये कॉलोनी में सीधा जाना है पहले ओह माय गॉड कॉलोनी बहुत अच्छा है बस ये एंट्रेंस अच्छा दिख रहा अंदर का रास्ता पूरा टूटा हुआ है यार दुख हुआ जान के लेकिन यहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते हमारे पास भले पैसा ज्यादा ना हो हमारा दिल बहुत बड़ा है बहुत बड़ा रास्ता दिखाना था यहाँ से सीधा सीधे आ रहे थे अभी स्ट्रेट पड़ेंगे फिर यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट लेना है नंबर 2N मतलब ये अच्छा रास्ता इसलिए मैं इधर से लेकर के जा रहा है यहाँ से हम लोगों को राइट लेना है चिड़िया उड़ती हुई दिखी हम लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ शोभा इनक्लेव यहाँ से राइट ले लेना ओके रास्ता का हालत था थोड़ा खराब है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब है यार
ठीक है ना, अच्छी जगह पे जाने के लिए इतना संघर्ष तो करना पड़ता है। जगह ना लाइक वर्थ है वहाँ जाना, इतना दूर से आ रहा है ना, लेकिन वर्थ है वहाँ जाना। अच्छा और आसमान भी नीला है। सीधे चलो। और यहाँ पे टर्निंग नहीं लेना आपको, सीधे सीधे जाना है। डॉक्टर मीना सिन्हा से एकदम सीधा यहाँ से सीधा आने के बाद यहाँ से आपको राइट लेना है, ये बंगलो दिखेगा आपको, सुंदर सा घर। यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और यह मंदिर पहुंच चुके हैं हनुमान जी। और लगे थे हनुमान जी देखने के लिए हनुमान वाटिका, यहाँ पे भी देखो बहुत हाइट वाले हनुमान जी है यार। ये हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ठीक है, माँ पार्वती देवी द्वार, वृंदावन कॉलोनी, चिरौंदी। इसके एंट्रेंस है, कितना ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ ये मंदिर अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये देखो तालाब टाइप के लोगों ने बनाया यहाँ पे, उनको बहुत अच्छा लगता है ना। पानी इसमें शिव जी है, हनुमान जी, राम जी, सीता जी एंड सारे मंदिर यार। व्यू देखो कितना प्यारा है, वहाँ से सनराइज और सनसेट पॉइंट है, बहुत अच्छा लगता है शाम में। आप लोगों को ऊपर ले चलते, तब तक अभी थोड़ा शॉर्ट्स बना लिए। ठीक है, बहुत सुंदर है यार मंदिर, मतलब कि यार व्लॉगिंग करना बहुत आसान भी नहीं जितना लगता है। हाँ बात सही, सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उल्टा हाथ से ले रहे, मेरा पता हाथ दर्द हो गया है। मंदिर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत बहुत टाइम से। चलो दिखाते, ये भी मंदिर अभी बन रहा है। सिर्फ ये वाला मंदिर कंप्लीट हुआ था, जिसमें कि अभी वो लोग अभी भी पेंट कर ही रहे हैं, पहले भी पेंटेड था। ये शंकर जी का मंदिर है एंड यहाँ का व्यू देखो, पहाड़ एंड यहाँ से भी मुझे उधर से आए थे, उधर देखो कितना प्यारा है। ये केंद्र का प्रांगण, हाँ इधर का दिखाते हैं हम लोगों को, वो जो कुंड जो हम नीचे से दिखा रहे थे वो है। बहुत शांति है ये मंदिर में, मंदिर बहुत सुंदर है। वैशाली आई थी कितने साल पहले? हम बहुत साल पहले आए थे और हम आई गेस वन मंथ भी नहीं हो गए थे, दूर से देखी थी मंदिर को और हमको इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि हम सारा काम वाम छोड़ कर के आए, पहले कि मंदिर देख लेते हैं। सच में बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सुकून है यहाँ पे, शांति से बैठो हाफ आवर। अगर अच्छा कभी भी लगता है कि मन बेचैन हो रहा है और अगर आप लोग इधर के हैं, इधर के नहीं भी है तो आ सकते हो यार। नहीं एक होता है ना कि बहुत अजीब सा लगता है, तो खुद के लिए टाइम निकाल के इंसान को लगता है कि शांति में बैठे हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस तो हम लोग के लिए मंदिर ही होता है। तो आइए, बहुत अच्छा लगता है।